हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हमारी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडलवर वुड के यूजेस। मॉडलवर वुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ वुड का यूज होता है सेंटेंसेस में, इसे एग्जांपल से समझेंगे, हिंदी टू इंग्लिश एग्जांपल्स देखेंगे। वुड के यूजेस इजिली समझने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं वुड के कई सारे यूजेस। वुड के कई सारे यूजेस होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफर, प्रपोजल, फ्यूचर एंड पास्ट, पास्ट हैबिट, कंडीशनल सेंटेंसेस, पोलाइट रिक्वेस्ट, इन सभी के लिए वुड का यूज किया जाता है। वुड के यूजेस दो तरीके से समझे जा सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ऑफर या प्रपोजल की बात हो रही है, किसी को ऑफर दिया जा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट में बात हो रही है, वहां पर हम वुड का यूज करेंगे। एक और तरीका है, जैसे कि हम सेंटेंस के आखिर में देखें कि तातेती आ रहा है या गागेगी आ रहा है या होता है आ रहा है, होता था आ रहा है, तो उन सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे वुड का। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वुड उन सेंटेंसेस में लगता है जिनमें सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी आता है, ताते ती आता है या ता था ती थी ते थे आता है। वुड भी लगता है जब होता लगता है या होता था लगता है। ऐसे ही अगर सेंटेंस में कर रहा होता या कर रहा होगा आता है तो वुड बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। ऐसे ही अगर सेंटेंस में चुका होता या चुका होगा लगता है तो वहां पर हम यूज करते हैं वुड हैव का। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और जानते हैं वुड का यूज किस तरीके से होता है। सबसे पहले देखते हैं वो सेंटेंसेस जिनमें सेंटेंस के एंड में गा गे गी आता है, यानी कि होगा, होगी, होंगे, ऐसा आता है। उसमें सबसे पहले आता है ऑफर या प्रपोजल। ऑफर या प्रपोजल में हम किसी के सामने ऑफर रखते हैं, किसी के सामने कोई चॉइस रखते हैं। क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहेंगे? तो ये बनेगा वुड यू लाइक टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विद मी। यहाँ पर गे आ रहा है इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है वुड का। हम एक ऑफर दे रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं। क्या आप चाय पीना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव टी। ऐसे ही आता है रिक्वेस्ट, यानी कि निवेदन करना। क्या आप कृपया शांत रहेंगे? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही पोलाइट वे में बोलते हैं तो यूज़ करते हैं वुड का। क्या आप कृपया शांत रहेंगे? वुड यू प्लीज़ बी क्वाइट। क्या आप मुझे पेंसिल दे देंगे? वुड यू हैंड मी द पेंसिल। ऐसे ही कृपया क्या आप मेरी मदद कर देंगे? वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। हम बहुत ही हम्बल वे में विनम्रता से किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड का। ऐसे सेंटेंसेस में भी गागेगी लगता है जिनमें पॉसिबिलिटी की बात हो रही है या अनसर्टेनिटी की बात हो रही है, संभावना या अनिश्चितता। पॉसिबिलिटी, मुझे लगता है आज बारिश होगी, ये क्या है? पॉसिबिलिटी है, एक संभावना बता रहे हैं। यहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। आई थिंक इट वुड रेन टुडे। मुझे लगता है आज बारिश होगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ वह इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। As far as I know, he would not accept this proposal. यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वुड का, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस के एंड में आ रहा है गा, करेगा। As far as I know, he would not accept this proposal. एक पॉसिबिलिटी है, एक अनसर्टेनिटी है। नेक्स्ट है फ्यूचर एंड पास्ट, यानी कि बीते कल में भविष्य की बात। हम पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं। उसने कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदेगी। शी सेड दैट शी वुड बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट। गागेगी में से गी आ रहा है इसमें, और शी सेड दैट शी वुड बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट। उसने वादा किया कि वह मुझे पढ़ाएगा। उसने पास्ट में वादा किया था, फ्यूचर के लिए ही प्रोमिस्ड ही वुड ट्यूटर मी। इन सभी सेंटेंसेस में गागे गी आ रहा है। उसने कहा कि वह उसके लिए आइसक्रीम लाएगी। शी सेड दैट शी वुड ब्रिंग आइसक्रीम फॉर हिम। ऐसे ही एक और यूज है वुड का, वॉन्ट या डिजायर। जब हम अपनी चाह बताते हैं, हमें क्या चाहिए, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं, वहां पर हम यूज करते हैं वुड का। मैं आज आपसे मिलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मीट यू टूडे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू थैंक यू। इसमें हम यूज करते हैं वुड लाइक टू का। मैं आज कहीं बाहर जाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू गो समवेयर आउटसाइड। इसमें चाहता हूँ भी आ सकता है और चाहूंगा या चाहूंगी भी आ सकता है। मैं आज कहीं बाहर जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गो समवेयर आउटसाइड। अब बात करते हैं उन सेंटेंसेस के बारे में जिनमें एंड में ता आता है, ती आता है या ते आता है। वहां पर वुड का यूज किस तरीके से होता है, चलिए देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आज मैं ऑफिस जाता पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई वुड गो टू द ऑफिस टूडे बट आई एम अनवेल। यहाँ पर ता तेती में से ता आ रहा है। अगर मेरे पास पैसे होते
तो मैं आपकी मदद करता। ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस बन रहे हैं। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, काश मैं उससे बात करता। आई विश आई वुड टॉक टू हिम, यहाँ पर वुड है, कुड यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। आई विश आई वुड टॉक टू हिम, मैं जाता, मैं खाता, मैं सोता, मैं ऐसा करता। एक होता है वह जाती है, एक है वह जाती, वह सोती, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड का। अब आता है वुड का अगला यूज़, जिसमें सेंटेंसेस के एंड में आता है करता था या करते थे या करती थी। अब तक हमने देखा करता, जाता, उठता, सोता, लेकिन उठता था, करता था, जाता था, सोता था, इस तरीके से सेंटेंसेस आएंगे। तो वहाँ पर हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वुड का। जब मैं छोटा था तो मैं हर दिन फुटबॉल खेलता था। व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड प्ले फुटबॉल एवरी डे, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वुड का। हर शनिवार को मैं लंबी बाइक यात्रा पर निकलता था। एवरी सैटरडे आई वुड गो ऑन अ लॉन्ग बाइक राइड, मैं रोज़ाना टहलने जाता था। आई वुड गो फॉर अ वॉक डेली, जाता था यानी कि आई वुड गो फॉर अ वॉक डेली। इसमें बता रहे हैं पास्ट की हैबिट, यानी कि मैं कोई काम पहले करता था, लगातार करता था, डेली करता था, उसको हम कहेंगे पास्ट हैबिट। वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वुड का, मैं रोज़ाना टहलने जाता था। ये थे पास्ट हैबिट के सेंटेंसेस। इसमें हम वुड का यूज़ किस तरीके से करेंगे हमने देखा। अब हम देखते हैं वुड बी, यानी कि कोई चीज़ होती, कुछ ऐसा होता, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड बी का। वो आज एक डांसर होता, ही वुड बी अ डांसर टुडे। आई विश आई वुड बी योर फ्रेंड, काश मैं आपका दोस्त होता। मैं इस वक्त अमेरिका में होता, आई वुड बी इन अमेरिका राइट नाउ। काश मैं इस वक्त घर पर होता, आई विश आई वुड बी एट होम राइट नाउ। यहाँ पर हम एक ख्वाहिश भी बताते हैं, कोई ऐसी चीज बताते हैं जो होती, जिसे हम चाहते कि ऐसा होता, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड बी का। काश मैं इस वक्त घर पर होता, आई विश आई वुड बी एट होम राइट नाउ। वुड बी का एक और यूज़ होता है होता था, जब भी मैं उसके घर जाता वह घर पर होता था। वेन एवर आई वुड गो टू हिज हाउस ही वुड बी एट होम, ऐसे एक और सेंटेंस देखते हैं। जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती वो मेरे साथ होता था। वेन एवर आई नीडेड हिम ही वुड बी विद मी, ये पास्ट का सेंटेंस है, इसमें यूज़ हुआ है वुड बी का। वो हर समय राहुल के साथ होता था, He would be with Rahul all the time. सेंटेंस में चाहे आ रहा होता या होता था, दोनों के लिए ही यूज़ होता है would be का। अब देखते हैं would का एक और यूज़, जब would be के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, यानी कि ing फॉर्म लगती है। सेंटेंस के एंड में आता है कर रहा होता या कर रहा होगा, वो कोई काम कर रहा होता या कोई काम कर रहा होगा, ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं वुड बी के साथ आईएनजी फॉर्म का। इंग्लिश में मोडल्स या मॉडल वर्ब्स के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है, जैसे कि आई वुड गो, आई वुड बाय, आई वुड कम, आई वुड ब्रिंग समथिंग, इस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगी है क्योंकि वुड के आगे यूज़ हुआ है बी का। आज वो इस कंपनी में काम कर रहा होता, ही वुड बी वर्किंग इन दैट कंपनी टुडे। काश मैं उसे इंग्लिश सिखा रहा होता, आई विश आई वुड बी टीचिंग हिम इंग्लिश टुडे। काश मैं खेल रहा होता, आई विश आई वुड बी प्लेइंग। ऐसे ही कर रहा होगा के सेंटेंस में धोनी इस वक्त खेल रहा होगा, हमें पता नहीं है कि वे खेल रहा है या नहीं, लेकिन हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वे खेल रहा होगा। धोनी वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, क्या वह इन दिनों ऑफिस जा रहा होगा। वुड ही बी गोइंग टू ऑफिस दीज डेज, ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं वुड बी के साथ आईएनजी फॉर्म का। अब आता है वुड हैव, इसका मतलब होता है चुका होता या चुका होगा, ये भी सेंटेंस में एक साथ यूज़ होता है वुड हैव। कोई काम हो चुका होगा या हो चुका होता, उसके लिए यूज़ करते हैं वुड हैव का। अगर मैंने समय पर पढ़ाई न की होती तो मैं फेल हो चुका होता। इफ़ आई हैड नॉट स्टडीड ऑन टाइम आई वुड हैव फेल्ड, अगर मैंने ध्यान ना दिया होता तो मेरी तबीयत खराब हो चुकी होती। इफ़ आई हैड नॉट पेड अटेंशन आई वुड हैव बिकम इल, बीमार हो चुका होता। धोनी इस वक्त खेल चुका होगा, धोनी वुड हैव प्लेड बाय नाउ। बस अब तक निकल चुकी होगी, द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। वह खाना खा चुका होगा, ही वुड हैव ईटन द फूड, ऐसा हो चुका होगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड हैव।
जैसा कि परफेक्ट टेंस में कोई काम हो चुका होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसी तरीके से यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। ही वुड हैव ईटन द फूड। ईटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह खाना खा चुका होगा, ही वुड हैव ईटन द फूड। अब आता है वुड हैव बीन। इसका मतलब होता है होता या हो चुका होता। अगर उसने पढ़ाई अच्छी की होती तो वह आज डॉक्टर होता। If he had studied well, he would have been a doctor today. यहाँ पर दोनों ही यूज हो सकते हैं, होता या हो चुका होता। अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती तो वह आज डॉक्टर बन चुका होता, या वह आज डॉक्टर होता। अगर उसने चुनाव में मेरा साथ दिया होता तो वह आज मेरे साथ होता। If he had supported me in elections, he would have been with me now. अगर मैंने उसे रोका ना होता तो वह आज मेरे साथ ना होता। If I had not stopped him, he would not have been with me today. कोई काम हो चुका होता या होता, उसके लिए हम यूज करते हैं would have been। अब आता है would have been के साथ ing form। किसी समय से कर रहा होता, यानी कि कोई काम कोई किसी समय से कर रहा होता, उसके लिए यूज होता है would have been और ing form। वह सुबह से खेल रहा होता अगर मैं उसे नहीं डांटता। He would have been playing since morning if I had not scolded him. अगर मैंने उसे नहीं डांटा होता तो वह खेल रहा होता। अगर उसने वह घर ले लिया होता तो वह मुंबई में आज 10 साल से रह रहा होता। If he had taken that house, he would have been living in Mumbai for 10 years today. कोई भी किसी काम को किसी समय से लंबे समय से कर रहा होता, उसके लिए हम यूज करते हैं would have been. He would have been living in Mumbai for 10 years. ये सभी हमने देखे would के uses. I hope आपको would के uses बिल्कुल clear हुए होंगे और उनके examples भी आपको बिल्कुल clearly समझ आए होंगे। अगर इन यूजेस में आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।